हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 13 सागर यानी कि सी है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा है हम वो देखते हैं। हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर, कितना पानी कितना लहरे, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर। यानी यहाँ पर जो सागर के बारे में बात हुई है तो उसके बारे में बताया गया है कि कैसे क्या होता है। हरदम हंसता गाता सागर, यानी जो सागर है वो हरदम क्या है, हंसता और गाता ही रहता है। कैसे, वो उसकी लहरें जाती है आती है, कभी वो क्या है, ठहरता नहीं है। तेज मंद लहराता सागर, यानी तेज क्या है, जो मंद लहराता है सागर। कितना पानी कितनी लहरे, आओ जरा किनारे ठहरे। यानी कितना पानी कितनी लहरे, और कहाँ पर ठहरने की बात कर रहा है, लहरों पर यानी कि किनारे पर, कहने लहरों को किनारे पर ठहरने की बात कर रहा है। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर, यानी कितना भी कुछ हो जाए, सारे हरदम क्या है, खुश रहकर हमको क्या करता है, जीना सिखाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में है लेखन करो, राइट, यानी कि जो आपका लिखा है वही का वही आपको सुंदर अक्षरों में सामने लिखना है। सेकंड है हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो, राइट द इंग्लिश वर्ड अगेंस्ट द हिंदी वर्ड, यानी जो आपको यहाँ पर जो दिया है पानी लहर हंसना हमें, तो उसके इंग्लिश वर्ड लिखने हैं। जैसे कि पानी का क्या है वाटर, लहर का क्या है वेव, हंसना का क्या है टू लाव, फिर हमें क्या है यूज। तो आप ऊपर देख सकते हैं शब्दार्थ के अंदर ये सब चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ से देखकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर का है समझो और लिखो, अंडरस्टैंड एंड राइट, यानी एक तो अनेक, तारा तो तारे, किनारा किनारे, बच्चा तो बच्चे, पत्ता तो पत्ते, खिलौना तो खिलौने, रास्ता तो रास्ते, लड़का तो लड़के, छाता तो छाते। फिर यहाँ पर है एक अनेक, सागर तो सागर, बालक तो बालक, फूल तो फूल, शहर तो शहर, पेड़ तो पेड़, फल तो फल, बेल तो बेल, किसान तो किसान। फिर इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है एक अनेक, लहर तो लहरे, बहन तो बहने, किरण तो किरणे, सड़क तो सड़के, पुस्तक तो पुस्तके, पेंसिल तो पेंसिले, गाय तो गाए, रात तो राते। तो इस तरह से आप लोगों का जो ये 13 चैप्टर है सागर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फिर मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।